वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल इट लाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे आलू फ्राइड राइस। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल इट लाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो फ्रेंड्स, ये झटपट बनने वाले आलू फ्राइड राइस हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। आलू फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने देखते हैं कि आलू लिए हुए हैं और ये कच्चे आलू हम यूज कर रहे हैं और छोटे छोटे पीसेस में इनको काट के रखा हुआ है। और चावल, जैसे सिंपल हम चावल बनाते हैं उसी तरह से हमने पका के रखे हुए हैं। और कुछ वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, शिमला मिर्च, गाजर, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे शेप में, पतले पतले शेप में हमने काट के रखा हुआ है। और प्याज चाहिए हमें, साथ ही साथ पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी थोड़ी सी बिल्कुल यूज करूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, और इसमें मैंने जीरा और राई मिला के रखा हुआ है, और हमें चाहिए हरा धनिया। तो शुरू करते हैं आलू फ्राइड राइस। तो आलू फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे, तो ये जो आलू हमने लिए हुए हैं इनको हम फ्राई करेंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक आलू को हमें फ्राई करना है। आलू को हमने फ्राई कर लिया है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है आलू का। तो अब इसे एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अब ऑलरेडी तेल इसमें गर्म है, मैं इसको ऑयल में ही बना रही हूँ। आप कोई भी, जैसे कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा बटर में भी आप इसको बनाओगे तो अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा आता है। देखिए मैंने इसमें जीरा और राई डाल दिए। तो सबसे पहले ये प्याज हम इसमें डाल के भूनेंगे। तो प्याज को हल्का सा ही हमें भूनना है, बहुत ज्यादा हम नहीं भूनेंगे प्याज को। और प्याज हल्का सा भून गई है तो अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब साथ ही साथ इसमें ये हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद में इसमें ये गाजर हम डालेंगे पहले। और गाजर डाल के एक बार मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हल्दी हम यहाँ पे डालेंगे। हल्दी बहुत ज्यादा हम नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी सी बस यूज करेंगे। और पहले तेज गैस पे 2 मिनट के लिए गाजर को हल्का सा हम भून लेंगे, उसके बाद में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। और 2 मिनट हो गए तो इसमें शिमला मिर्च भी हम डाल देंगे और एक बार मिक्स करके इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी नमक हम इसमें नहीं डालेंगे, नमक हम थोड़ा सा बाद में ही डालेंगे। इसमें लाल मिर्च वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ हरी मिर्च डाल के भी बना सकते हो। मैंने तो बिल्कुल जरा सी डाली है लाल मिर्च। और तेज गैस पे इसे हम भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। और अब ये 2-3 मिनट के लिए मैं और भून लिया था शिमला मिर्च के साथ में, तो इसमें ये चावल हम ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब इसमें नमक भी हम यहाँ पे मिला रहे हैं। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में इसमें ये आलू हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और 2-3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्का सा हम मीडियम गैस पे भूनेंगे और ये हमारे आलू फ्राइड राइस बन के रेडी हो जाएंगे। और ये आलू फ्राइड राइस बन के रेडी हो गए हैं, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।
फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए हैं और इसे हमने पुदीने के रायते के साथ में सर्व किया हुआ है। और अगर आप पुदीने के रायते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे आपको ट्रिपल ई डिलाइट्स पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।